Very good afternoon, people. So how are you all doing? Doing great? So you guys are happy to meet again? Okay, thank you, Zara. Hey, Devish is happy. Great. Fine. Right, so Uzera wants to say something. Yes, Uzera. Ma'am, I am feeling very good. Okay. Yes, ma'am. And what's ma'am, this is my favorite class. Thank you so very much. Ma'am, because ma'am, isme bahut sara fun karte hain hum sab. Ma'am, hum bahut sari baatein karte hain. Ma'am, hum new interesting cheeze seekhte hain isme. Okay, thank you. And ma'am, jab hum online aayenge, ma'am, jab hum offline aayenge, ma'am, tabhi bhi ye wali class hogi. Hopefully, yes. Ma'am, offline mein aur maza aayega. Definitely. It will be more fun meeting all of us together. Very true, Zara. You're so true in stating that. Ma'am, hum aaj kya karenge? Aaj hum kya karenge? Aaj hum na जो हम अभी तक थीम कर रहे थे ना, एनीवन रिमेम्बर्स हमारा थीम क्या था? मैम, हमने पिछली बार वो करा था मैम, सुपर किड. हम फिजिकल हेल्थ कर रहे थे और हमारा जो थीम था कि वो ये था कि हम अपनी हेल्थ का कितना ध्यान देते हैं, है ना. हमने इस चीज ये मैम, उसमें हमें मार्क्स देने थे. तो हमने ये थीम बहुत बहुत बड़ी थीम थी जिसमें हमने हेल्थ का मीनिंग समझा, राइट. उसके अलावा हेल्थ के तीन एस्पेक्ट समझे, सोशल हेल्थ समझा, मेंटल. एंड मैम, सम स्टूडेंट्स, मैम जैसे आपने कहा था कि ज्यादा मोबाइल देखना नहीं चाहिए, मैम कुछ बच्चों ने मोबाइल देखना भी कम कर दिया है मैम अब. ओके, दैट्स अमेजिंग. यस मैम, इट्स नाइस इफ यू हैव स्टार्टेड. ये ड्राइव है. Okay. Yes, ma'am. Right. So, आज हम अपने थीम को ना एंड करेंगे फाइनली, ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कशन स्टार्ट की थी, हमने ये देखा था कि हम सुपर किड्स हैं नहीं. उसके बाद हमने किया था फूड ग्रुप्स के बारे में और हमने एक एक्टिविटी पिरामिड भी किया था. So, could you guys manage to make activity pyramid? आप लोग अपना एक्टिविटी पिरामिड बना पाए? किसी ने ट्राई किया? मैम, मैंने ट्राई करा था मैम, बट मेरे से जो थोड़ा सा बेकार बना था. बेकार नहीं होता बेटा, इट्स अबाउट आप कितना कर सकते हो. तो हर किसी का मैम, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे मैम, वो ना थोड़े से वैसे बन गए थे. नहीं मैम, जो एक्टिविटी पिरामिड की स्ट्रेंथ स्टैमिना बिल्डिंग एक्टिविटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्टिविटी वीक्स में डाले. मैम, मेरी बुक निकालती हूँ. ड्यू ड्रॉप. यस मैम, किस एक्टिविटी पिरामिड मैम इसमें दे रखा है कि फर्स्ट वाले टर्म में दिया हुआ है कि मैम वो एक ना बच्चा है, वो ना कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है. कट डाउन ऑन ऐसे लिखा हुआ है उस पे. Watching TV, computer games, sitting for more than 30 minutes at a time. मैम इसमें ये लिखा हुआ है. एंड मैम बाकी ऊपर लिखा हुआ है leisure activities for flexibility and strength. Two three times a week. Right. तो ये हमने एक टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो, एंड में जब मैंने कहा था कि आप ये टेबल सब अपना ट्राई करना, बना के देखना अपने लिए, अपना एक्टिविटी पिरामिड बना के देखना, एंड देन वी विल सी कि हमें क्या चेंज आया. सो दैट वाज द टास्क गिवन. तो क्या आप सब अपना एक्टिविटी पिरामिड बनाए? आपने बनाया, ट्राई किया? किसी ने नहीं किया तो अब कर लेना, दैट्स ओके. ऑलराइट, बट डू इट, बिकॉज फिजिकल हेल्थ के लिए हमें पता है कि एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है. तो एक्सरसाइजेस का हमारा एक प्रॉपर रूटीन डेफिनेटली हमारे टाइम टेबल में होना चाहिए. तो अगर आप अपना ये पिरामिड बनाते तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक रूटीन, एक स्केड्यूल बनाते कि आपका रोज पढ़ने का क्या टाइम है, खेलने का क्या टाइम है, एक्सरसाइजिंग का क्या टाइम है.
तो आप और स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और आप ज्यादा हैप्पी रहते हैं बिकॉज आप सारे काम कर पा रहे हो एंड आप एंजॉय भी कर रहे हो. राइट, सो डू मेक इट फॉर योर सेल्फ. ओके, मोहम्मद अरहान. मैम आप क्या बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास मैंने पीटी क्लास ले नहीं पाया था. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी पिरामिड, आपके बुक में है. ठीक है, आई थिंक मैम ये वाला ना. मैम ये बनाना है मुझे. नहीं, इसके आगे नेक्स्ट पेज बेटा. मम्मी पेज नंबर 5. हाँ जी, हम इसकी बात कर रहे हैं. ओके मैम, लेकिन मुझे बनाना क्या है? अपना चार्ट बनाना है कि आप रोज दिन में कितनी देर एक्सरसाइज कितने बजे करोगे और कौन सी एक्सरसाइज करोगे. जैसे कि कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, आप एरोबिक्स कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, तो आपको वो डालना था. ओके ओके मैम. या मनस्वी, यू गॉट अ हेयर कट? ओके, द चाइल्ड विद द नेम गाम्या प्लीज अनम्यूट. या व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मनस्वी. राइट, तो मैंने अभी आप ही से पूछा, डिड यू गेट योर हेयर कट? यस मैम. या यू लुकिंग लिटिल डिफरेंट. हां, थैंक यू मैम. ओके, ऑलराइट. सो राइट पीपल, हुजैरा लेट्स बिगिन द सेशन फर्स्ट, देन आई विल लिसन टू यू इन बिटवीन. ठीक है, ऑलराइट. तुषा अभी बैठ जाओ, अभी एक्सरसाइज टाइम नहीं है, अभी क्लास का टाइम है. ऑलराइट, फाइन पीपल. सो आज हम ना थोड़ी सी चीज और समझेंगे. हमने उस दिन ये डिस्कस किया था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो डिफरेंट फूड ग्रुप से आता है ना, जिसमें सीरियल ग्रुप था, डेयरी ग्रुप था, आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप था, पल्सेस एंड मीट ग्रुप था, और लास्ट था फैट्स एंड ऑयल्स ग्रुप. तो हम जो भी खाना खाते हैं वो इन सब ग्रुप्स में से आता है. तो अगर हम अपने हर मील में ये सारे ग्रुप्स ले सकते हैं तो वो बैलेंस्ड मील होती है, क्योंकि मैं सारे फूड ग्रुप्स खा रही हूँ और हर फूड ग्रुप की इम्पोर्टेंस है मेरे बॉडी के लिए. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरियल खाती हूँ तो सीरियल मुझे एनर्जी भी देता है, मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग एक्टिविटी के लिए भी वो हेल्प करता है. राइट, और सीरियल में आपका फाइबर भी आता है, तो फाइबर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है. इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी. अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स. ओके, जस्ट नो दिस मच दैट दे गिव अस डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स व्हिच हेल्प्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिजीजेस, सो इट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्गर. तो हम इसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी स्किप नहीं कर सकते. सिमिलरली पल्सेस, जो हम टॉल ग्रो करते हैं ना, दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट्स बिकॉज ऑफ योर पल्सेस एंड मीट ग्रुप. तो आप वो भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है आपको. ओके, सो एवरी फूड ग्रुप हैज इम्पोर्टेंस ऑफ इट. सिमिलरली हम ऑयल एंड फैट भी बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते बिकॉज हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए वी नीड इट फॉर आर हेयर टेक्सचर. राइट, अब विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती है ना, तो अगर हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं तो स्किन ठीक हो जाती है. तो सोचो अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर जैसे जो सिस्टम है वो कितना ड्राई होगा, कितना खराब हो जाएगा. सो यू कांट लीव एनी फूड ग्रुप, बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हर ग्रुप से खाना कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं सीरियल ग्रुप से कितना खाऊं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा खाना खाती जाऊंगी तो अल्टीमेटली मैं तो ओबेस हो जाऊंगी बहुत ज्यादा. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना खाना चाहिए, कौन सा फूड ग्रुप ज्यादा खाना चाहिए, कौन सा फूड ग्रुप कम खाना चाहिए? कहाँ से पता चलेगा? कैन एनी वन ऑफ यू गेस कि कहाँ से पता चलेगा? नो? ओके, वेल, जैसे एक्टिविटी पिरामिड होता है ना, वैसे ही फूड पिरामिड होता है. आई जस्ट शेयर द पिक्चर विद यू. आपके बुक में भी पिक्चर है, आई थिंक इट वॉज पेज नंबर 2. आप अपने बुक भी रेफर कर सकते हो अलोंग साइड. आई ऑल्सो शेयर द स्क्रीन.
सो दिस इज योर फूड पिरामिड. तो फूड पिरामिड में भी जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर चलते जाते हो ना, इसका मतलब होता है कि आपने वो खाना कम खाना है. तो नीचे देखो सबसे ज्यादा हम क्या खा सकते हैं, क्या क्या बना हुआ है. बिस्किट्स बने हैं, रोटी बना है, ब्रेड बना है, राइस बना है, दलिया बना है. तो यह आपका है सीरियल ग्रुप. हम दिन में सबसे ज्यादा सीरियल ग्रुप खाते हैं. उससे कम हम खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. उससे कम हम लेते हैं डेयरी ग्रुप एंड पल्सेस एंड मीट ग्रुप. और सबसे कम होता है हमारा शुगर्स और उसके साथ फैट एंड ऑयल ग्रुप. ये हमने सबसे कम खाना है. तभी आप देखो वो पिरामिड के सबसे ऊपर आ रहा है और पिरामिड के सबसे नीचे सीरियल. अब सीरियल कैसे ज्यादा आ रहा है, ब्रेकफास्ट में आप पोहा, उपमा, ब्रेड, पराठा खाते हो, कुछ भी खाते हो, इसमें से वो सीरियल ग्रुप से आता है. उसके बाद आप मिड मॉर्निंग लेते हो, लेट से आपने मिल्क लिया, मिल्क के साथ आप रस या बिस्किट कुछ ऐसा खाते हो, राइट, वो कहाँ से आया, अगेन सीरियल ग्रुप. फिर लंच में यू ईट चपाती और राइस और एनीथिंग, आप पिज्जा खाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, वो सब सीरियल ग्रुप से आ रहा है. फिर आपका मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग स्नैक, अगेन आप मिल्क लेते हैं जब इवनिंग में, तो वो कहाँ से आता है, अगेन योर सीरियल ग्रुप. डिनर, अगेन सीरियल ग्रुप. तो देखो सबसे ज्यादा आपने सीरियल ग्रुप लिया. पर जब हम दाल खाते हैं, हम दाल में दिन में दो बार ही खा लेंगे या मैक्स टू मैक्स वन बार खाएंगे. या तो हम लंच और डिनर में दोनों में दाल खा रहे हैं, या हम सिर्फ डिनर में या सिर्फ लंच में दाल खाते हैं, राइट. तो ये हम कम खा रहे हैं. एग्स, एग्स आप खाओगे तो ब्रेकफास्ट में खा लोगे या मिड मील में, कोई पूरा दिन एग तो नहीं खाओगे. तो देखो पल्सेस एंड मीट ग्रुप भी हम दिन में दो से तीन बार सिर्फ खाते हैं. अब मिल्क को भी देखो, मिल्क आप दिन में दो बार पी लोगे, एक बार कर्ड खा लोगे, कभी पनीर खा लोगे, पर खाओगे तो दिन में दो या तीन बार ही, इससे ज्यादा तो नहीं खा रहे. सो दैट इज हाउ इट इज कमिंग. क्योंकि ये फूड पिरामिड है. फूड पिरामिड हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि हमें क्या चीज ज्यादा खानी है और क्या चीज कम खानी है. ओके. और सबसे ज्यादा आप देखो आपका वेजिटेबल ग्रुप आता है. आप लंच में वेजिटेबल खा रहे हो, आप सैंडविचेस खाते हो, आप वेजिटेबल ब्रेकफास्ट में खाते हो, आप सैलड ऐसे खाते हो लंच में, फिर से वेजिटेबल. तो सब्जी बनी हुई अलग हो गई, सैलड अलग हो गया. सिमिलरली डिनर में सैलड अलग हो गया. सो सी थ्री फोर टाइम्स सैलड ही हो गया या वेजिटेबल ही हो गया. उसी तरीके से फ्रूट, अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हो तो उसमें टू थ्री फ्रूट्स तो डले होते हैं ना, कोई सिर्फ एक फ्रूट की तो फ्रूट चाट नहीं बनती, right? So see, you are taking two to three fruits also in a day. So this is your food pyramid. So this food pyramid guides us कि हमें कितना खाना है और किस ग्रुप से खाना है. क्योंकि अगर मैं फैट ग्रुप ज्यादा खाऊं या शुगर ग्रुप ज्यादा खाऊं, वो मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. और अगर मैं सीरियल ग्रुप एट द सेम टाइम कम खाऊं तो मेरे बॉडी के लिए वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा. तो अगर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा तो मैं काम भी तो नहीं कर पाऊंगी ना, राइट. सो इसलिए फूड अगर हम एक्सेस में खाएं या हम कम खाएं, इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी. सो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कितना खाना है, वी रेफर टू दिस फूड ग्रुप विच इज देयर इन योर बुक एज वेल. ओके. अब हमने ये तो समझ लिया कि फूड ग्रुप क्या है, हमें ये समझ आ गया फूड पिरामिड क्या है. अब हम थोड़ा सा ना और आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो मैं खाना खा रही हूँ ना उसमें क्या क्या डलता है, ठीक है. अब उसके लिए ना हम केक बेक कर रहे हैं. अब केक बेक हम कैसे कर रहे हैं, मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपसे. अब वो स्टोरी ध्यान से सुनो और उसके बाद आप एनालिसिस करो कि उस केक को बनाने के लिए ना मैंने उसमें क्या क्या डाला होगा, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया केक बनाने के लिए, ठीक है. और आप अपने पास लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए, एंड देन यू कैन शेयर कि आप क्या आइडेंटिफाई किए कि क्या रॉ मटेरियल्स थे. तुषा, यू वांट टू से समथिंग, बिकॉज़ आई हैव सीन यू रेजिंग एंड लोडिंग योर हैंड्स क्वाइट सम टाइम इट्स हैपनिंग. मैम अभी आपने क्या कहा, आप प्लीज रिपीट कर देंगी? आई जस्ट सेड कि मैं एक स्टोरी बोलूंगी, आप उस स्टोरी में आइडेंटिफाई करोगी कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है केक बनाने के लिए. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay, so the story is, are you all ready, by the way? Then I begin, so that you don't lose out on anything. Shall I begin? Shomita,
ओके मनस्वी आई कैन सी दी थम्स अप, त्रिशा आई कैन सी दी थम्स अप, राइट, त्रिशा आई कैन सी दी थम्स अप, ऑलराइट फाइन. Harinder, you will be the first one to answer me. So please be ready with the paper. You have to write. Come on. जल्दी से पेपर लेकर आओ. आपने लिखना है. And you will be the first one to answer. And my voice is pretty audible because you are responding to it. Non-verbal cues से. So I'll count till 10. Quickly go and get a pencil and a paper for yourself. One. Harinder, उठो. One. Two. Three. Four. Yes, Harinder. What are you saying? Unmute first. Ma'am, ye rahe. Keep. Ma'am, mumari to nikal gayi. तो आप मुझे सबसे पहले बताओगे. Okay. Four. Fine. He's ready. So five and we start. This is named Prakriti. So Prakriti, along with her father, wants to bake a cake for her mother. To give her Mother's Day surprise. She sat down with her father to make the list of raw material they need to make the cake. Then they together went to the kitchen for the raw material available with them. So they thought that jaise jaise we'll get the material, we'll put a tick of against the name of it. While scanning through the list, Prakriti said, Dad, I can locate cooking oil bottle on the right side of the shelf. On opening the first cupboard, father could locate a jar of sugar, a small bottle of baking soda, and baking powder. They kept looking here and there from one shelf to other for cocoa powder. But alas, they couldn't find it. But in the process, while they were looking for cocoa powder, they found the most important ingredient of the cake. Can anyone guess what's the most important ingredient of the cake? Okay, Huzaira. Mom, ya to mom, ye biscuits ho sakte hain. Mom, ya phir ye chocolate ho sakti hai. Mom, bina biscuit aur chocolate ke kuch bani hi nahi sakta cake mein. सेकेंड मिल्क किस में मिक्स करते हो मैम या मैम केक में मैम पहले हमें कोको पाउडर लेना उसके अंदर मिल्क मिक्स करना है देन मैम मैम लिटिल बिट वाटर डालना उसके बाद बेकिंग पाउडर डालना है अभी भी मिसिंग है कुछ सिर्फ कोकोआ पाउडर से केक नहीं बनता कोकोआ इज जस्ट फॉर फ्लेवर सोचो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है जो हम मिस कर रहे हैं मनस्वी मैम शुगर शुगर तो मिल गई थी ना फर्स्ट कबर्ड व्हेन दे ओपन दे केम अक्रॉस द जार ऑफ शुगर अ स्मॉल बॉटल ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर सो मैम चॉकलेट नो इट्स नॉट चॉकलेट चॉकलेट इज अगेन फॉर फ्लेवर ओके शुड आई टेल ओके देयर आर मोर पीपल हु हैव वांट टू गेस वाओ दैट्स नाइस आयुषी मैम मिल्क तो बनाना शेक में यूज होता है नहीं मिल्क केक में भी यूज होता है बेटा बट वो बहुत जरूरी नहीं है अगर मिल्क नहीं है तो हम बट एक चीज है अगर वो नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे केक डेफिनेटली ओके मोहम्मद कादिर मैम क्रीम नो परीक्षित मैम इनो नो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सो इनो इज योर सोडा उसमें आ गया वो आदित्य
मैम उसके अंदर यूज होते हैं मैम फ्लोर यूज होती है, शुगर यूज होता है। बस बस एक ही चीज अभी जो पहली बोली आपने, दैट इज द आंसर। कम अप अगेन, फर्स्ट थिंग दैट यू सेड वाज मैम फ्लोर, इट्स कॉल्ड एज फ्लावर। ओके यस, आप देखो आप मिल्क लेते हो, आप कोकोआ लेते हो, आप सबको किसमें मिक्स करते हो? फ्लावर में, ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा, है ना? केक तो उससे बना है, तो वही अगर आपका बिस्किट है, अगर आप बिस्किट केक भी बना रहे हो तो बिस्किट भी मैदा से ही आ रहा है। ओके, सो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द केक इज योर ऑल पर्पज फ्लावर, मैदा। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी नाउ। So in the process, they finally stumbled upon all-purpose flour, which is your maida. They were excited as they had completely forgotten. जैसे हम सब भूल गए ना कि मैदा भी होता है, वो भी भूल गए थे कि मैदा भी तो था लिस्ट में, वो तो accidentally उनको मिल गया। But the task did not end here. They checked out for milk and eggs in the refrigerator. Viola, it was there, but the list did not end. They are still left with cocoa powder and chocolate chips. So they head towards the grocery store to procure it. Once they were ready with the raw material, what next? Well, they followed the recipe to bake the cake, and they actually made the cake. Right? Now, before we move from here, Hosera wanted to share the recipe of the cake. So let's listen to her so that all of you also become master chefs with the cake. Okay? Yes, Hosera. Okay, ma'am. Ma'am, हमने जब केक बनाया था, ma'am first first तो ma'am मेरे को पता नहीं था केक कैसे बनता है. ma'am फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया ma'am के मुझे फिर ma'am मैंने सोचा कि biscuits का अगर हम powder करके उसमें milk डालेंगे तो कैसे बनेगा. ma'am हमने हमारे father से ma'am 100 rupees लिए and ma'am then हमने 100 rupees लेने के बाद मैम हम सुपरमार्केट गए. मैम वहां से हमने वन पैकेट ऑफ बिस्किट ऑफ चॉकलेट खरीदा मैम ओरियो वाले एंड मैम देन घर एंड मैम हमने इनो खरीदा क्योंकि मैम वहां पे ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं था. एंड मैम देन मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए स्केच थोड़े से और खरीदे मैम क्योंकि हमें क्रीम की ज्यादा जरूरत थी. मैम उसके अंदर से क्रीम निकाल के मैम हम उसे मिल्क में डालना था. लेकिन मैम हमने तो केक बनाया ही था. ओके मैम देन हम मैम घर पे आ गए सारे सामान लेके एंड मैम फर्स्ट हमने एक जार में मैम बिस्किट डाले क्रीम निकाल के हमारे भाई ने हरिंदर प्लीज अनम्यूट एंड टेल आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स स्पॉट किए, क्या क्या रॉ मटेरियल स्पॉट किए केक के लिए. फर्स्ट बटर, बटर सेकंड मिल्क और थर्ड है शुगर और फिर है बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर क्यों चिप रहा हो आप? इट्स ओके, वो बता रही है आपकी हेल्प ही कर रहे हैं. ऐसे नहीं बोलते बेटा, इट्स ओके, दे आर जस्ट हेल्पिंग यू, दैट्स ओके. ग्रैंडमदर नानी भी होती है, दादी भी होती है, दोनों को दादी होती है पर बट नानी है तो दादी नहीं है. ओके
राइट सो यू कुड स्पॉट मेनी अपार्ट फ्रॉम देयर वाज कुकिंग ऑयल और हमने व्हीट फ्लावर की जगह हमने ऑल पर्पज फ्लावर बोला था बट इट्स अ गुड थिंग व्हाट हरिंदर सेड इफ यू पेड अटेंशन आपने जो भी रॉ मटेरियल लिखे वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं कोई भी रेसिपी जब हम कुक करते हैं उसमें जो जो चीजें हम डालते हैं रॉ मटेरियल उसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं तो अगर केक को मुझे हेल्दी बनाना है तो जैसे हरिंदर ने कहा मैं मैदा की जगह व्हीट फ्लावर यूज कर लूं आटा जिसकी हम रोटी खाते हैं हम सबने सुना है ना मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ राइट तो अगर हम आटे से या ओट्स का फ्लावर यूज करें या फिर हम थोड़ा सा उसमें रागी मिला दें तो ये हेल्दी चॉइस हो जाती है हमारी ठीक है तो फूड पिरामिड हमें ये बताता है कि आपने फूड ग्रुप्स कितने खाने हैं बट हेल्दी चॉइसेस हमें देखनी है उसी तरह से अगर मुझे इस केक को और हेल्दी बनाना है तो शुगर हमने पढ़ा था सब हमें कम खानी चाहिए पढ़ा था ना हमने फूड पिरामिड में शुगर सबसे ऊपर है सो विच मीन सबसे कम खानी है हमने शुगर अब ये देखो कि जब हमें शुगर सबसे कम खानी है तो केक में तो कितना सारा शुगर जा रहा है तो उसकी जगह मैं उसमें जागरी यूज कर सकती हूँ गुड़ का नाम सुना है हम सबने गुड़ का पाउडर आता है आप वो यूज कर सकते हो आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हो आप हनी यूज कर सकते हो ये जो है ये शुगर से हेल्दी है हमारे लिए बॉडी के लिए उसी तरह आपकी मम्मा बोलते होंगे या उनसे पूछना शक्कर करके भी एक चीज आता है इवन दैट्स हेल्दी राइट तो हम शुगर की जगह क्या यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं हेल्दी चॉइस कि हम अपना खाने में वो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है ओके सिमिलरली अब अगर मेरे को लेट्स से बेसन लड्डू खाना है राइट अब बाजार का बेसन लड्डू और अगर घर पे बेसन लड्डू बनाओ सो योर मम्मा व्हेन इज कुकिंग शी इज यूजिंग प्रॉपर घी इन इट राइट उसमें भी अब आप शुगर की जगह वो जागरी पाउडर डाल सकती हैं वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आपके लिए नट्स के पर्पस में डाल सकती हैं बिकॉज नट्स इज गुड फॉर अस राइट एंड शी कैन मेक बेसन लड्डू वो चाहे तो बेसन में थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर सकती हैं सो बेसन आटा लड्डू हो जाएंगे राइट सो दीज आर हेल्दी चॉइसेस बट अगर मैं मार्केट से जाके वो बूंदी लड्डू खा रही हूँ दैट इज नॉट हेल्दी चॉइस फॉर मी ओके तो हेल्दी चॉइसेस का मतलब होता है आप डिसीजन लेते हो कि क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है आप उसमें से चूज करते हो सिमिलरली अगर मैं बहुत देर तक खाना नहीं खाती आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना अगर उसको पता है अगर आपका एक रूटीन है कि आपने 3 या 4 आवर्स के बाद कुछ खाना है और अगर आप नहीं खाते आपके ब्रेन को पता है आपको इट्स योर टाइम फॉर मील आपके स्टमक को भी पता है क्योंकि आपके बॉडी का रूटीन है तो आपका जो स्टमक है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा आप खाना खाओ या ना खाओ इस वजह से हमें कभी कभी होता है ना मम्मा एसिडिटी हो रही है जलन हो रही है वो इस वजह से होती है क्योंकि हम प्रॉपर टाइम पे मील नहीं ले रहे तो ये हेल्दी चॉइस नहीं है मील स्किप करना तो हेल्दी चॉइसेस क्या है हेल्दी चॉइसेस हैं प्रॉपर टाइम पे खाना खाना हेल्दी डाइट लेना उसमें जंक अवॉइड करना और जो भी आप चीज खा रहे हो वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है फॉर एग्जांपल सैंडविच हम सबको सैंडविचेस अच्छे लगते हैं बट हमें पता है व्हाइट ब्रेड से ज्यादा हेल्दी मल्टीग्रेन ब्रेड है या आटा ब्रेड है तो आप वो यूज करिए मेयोनीज इतनी हेल्दी नहीं है बट मेयोनीज से हेल्दी चीज है आप चीज यूज कीजिए या आप घर का बटर यूज कीजिए आप उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डालिए सी इट टर्न्स आउट टू बी हेल्दी राइट सिमिलरली बर्गर बर्गर बाहर खाने से अच्छा आप घर पे बनाइए बंस आपको डेफिनेटली बाहर से लाने होंगे आप मैदा बन की जगह आप आटा या मल्टीग्रेन बन यूज कीजिए जो उसका टिक्की बन रहा है आप उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए अपार्ट फ्रॉम पोटेटोज आई एट टाइम्स ऑल्सो पुट सोयाबीन के जो छोटे न्यूट्रेला के जो छोटे छोटे कीमा पीसेस आते हैं आई पुट दैट ऑल्सो तो हम जितना हेल्दी चॉइसेस लेकर बना सकते हैं मील को वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स भी ले रहे हैं और हम फूड पिरामिड को भी फॉलो कर रहे हैं और हम उस मील को हेल्दी भी बना रहे हैं ओके सो जब हम खाना सोचते हैं ना इट्स एन आर्ट Why it's an art? Because you have to look into your healthy choices. You have to look at your meal planning. You have to look at everything. कि आपके body को वो benefit करे हर हिसाब से ना कि नुकसान. Once in a week हम junk खा सकते हैं. I am not saying कि totally छोड़ दो. But कम खाओ.
क्योंकि हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है. ओके, आर वी ऑल क्लियर विद दिस? आर वी ऑल क्लियर अबाउट मील प्लानिंग एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस? अब हमारा आता है क्रिएटिव वर्क. इसमें आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जब ये हमारा थीम खत्म होगा तब आप सब एक एडवर्टीजमेंट बनाओगे. तो अब आपने वो एडवर्टीजमेंट बनानी है. ठीक है, मैं आपसे एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस शेयर कर रही हूँ. जस्ट हैव अ लुक एट इट. Let me just close the PPT and what's this? Okay, I will be needing the drive. Okay, can you all see the screen? Is the screen visible? Ayush, just give me a thumbs up if you can see the screen. Ayushi, sorry. Ayushi, aapki screen agar dikh raha hai, to please give me a thumbs up. Okay, fine. So, hamara project ka theme tha, how much cautious are we towards our health? और अब हमने जो एड बनाना है वो किस पे बनाना है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सैंडविच को कैसे हेल्दी कर सकते हो, आप केक को कैसे हेल्दी कर सकते हो, आप लड्डूज को कैसे हेल्दी कर सकते हो, तो ऐसे ही आप सबसे पहले अपने लिए कोई एक स्नैक सोचोगे कि आप क्या बनाना चाहते हो. आप बिस्किट बनाना चाहते हो, आप मफिन बनाना चाहते हो, या आप सैंडविच बनाना चाहते हो, आप क्या बनाना चाहते हो, आप वो स्नैक अपने माइंड में सोचोगे सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद आप अपनी एडवर्टीजमेंट सोचोगे क्या बनानी है और वो कितनी देर की होनी चाहिए. वो 1 से 2 मिनट्स की होनी चाहिए, इससे ज्यादा देर की नहीं. ओके, इट शुड बी जस्ट फॉर 1 और मैक्स 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. आप या तो सिर्फ हिंदी में एड बनाइए या इंग्लिश में, लैंग्वेज मिक्स मत करिएगा. ओके, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो आप हिंदी में बनाओ, आप इंग्लिश में हो आप इंग्लिश में बनाओ. इट्स कंप्लीटली अप टू यू आपको कौन सा लैंग्वेज यूज करना है. After that, use appropriate props for your advertisement. Just a second. Okay. After that, use appropriate props. आपके advertisement को present करने के लिए अगर आपको कोई prop की जरूरत है तो you can create that. Then अब आप अपना snack सोचो. कोई इनोवेटिव, कुछ अलग हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो चीज मार्केट में है मुझे वही लेनी है. अगर कुछ अलग भी आपके माइंड में आता है आप वो भी ले सकते हो, या अगर कोई चीज ऑलरेडी मार्केट में है आप उसको हेल्दी कर कर कुछ और बनाना चाहते हो आप वो भी सोच सकते हो. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ओके, अब कोई स्नैक आप जो भी सोच रहे हो आपको उसका नेम भी रखना होगा, तो उसका नेम रखो. जैसे आप मार्केट में जाते हो कोई बिस्किट है तो लिखा होता है ना पाले जी ग्लूकोज बिस्किट, तो ग्लूकोज उसका नेम है ना, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो ऐसे ही आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्नैक है, आप उसका भी कोई नेम सोचोगे. ओके, अब उसको आपने जब सोचना है वो ऐसे सोचना है कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रुप्स डाल सको और हेल्दी चॉइसेस हो. आप उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, और उसमें आप मैक्सिमम फूड ग्रुप्स यूज कर सको उस स्नैक में. ओके, देन इसके अलावा जब आप अपना स्नैक डिसाइड कर लोगे और उसका रेसिपी डिसाइड कर लोगे कि आप कैसे बनाना है, उसके बाद आप देखते हो ना टीवी पर जब एड देखते हो तो उसमें क्या क्या पता चलता है. सबसे पहले तो पता चलता है ना कि ये चीज किससे बनी है. हम ऐसे ही प्रमोट करते हैं ना अपने प्रोडक्ट को कि देखो ये मैंने मफिन बनाया है, ये मफिन जो है ये व्हीट फ्लावर का है, ये मैदा का नहीं है. तो सबसे पहले जब आप अपनी एड प्रमोट करोगे तो आप बताओगे कि ये जो है स्नैक ये किस चीज का बना है, ये क्यों हेल्दी है, ये जो स्नैक है ये क्यों हेल्दी है हमारे लिए या लोगों के लिए, ये कैसे मार्केट में जो दूसरे स्नैक्स हैं उनसे अलग है, मेरा केक क्यों अच्छा है आपके केक दूसरे केक से. तो मुझे वो पता होना चाहिए ना कि कैसे वो अलग है और प्रोडक्ट से जो मार्केट में है. देन वो कैसे आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हेल्थ है तो आप हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बताओगे कि कैसे वो आपके बॉडी को बेनिफिट करेगा. उसके बाद आप कॉस्ट भी डिसाइड करोगे अपने उसकी प्रोडक्ट की. क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो जरूरी नहीं हर कोई खरीद सके, और अगर बहुत सस्ती है तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं इसने इंग्रेडिएंट्स ठीक यूज किया है या नहीं. तो आप कॉस्ट उस हिसाब से निकालना कि वो बहुत ज्यादा महंगी भी ना हो और बहुत ज्यादा सस्ता भी ना हो. उसके बाद आपने देखा होगा कुछ एड्स में वो बताते हैं कि वो कहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा. कुछ चीजें ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती हैं, कुछ चीजें सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती हैं.
राइट, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट इज कि वो कहाँ पर मिलेगा आपको। और कभी कभी जब हम कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो आपने मार्केट में देखा होगा ना, प्रमोशन होती है, कैसे होती है, बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ आपको एक फ्री मिल रहा है या 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, या अगर आप ये वाला केक लोगे तो इसके साथ दूसरा केक फ्री है, है ना, ये सब होता है ना। तो आपने भी ऐसे ही प्रमोशन करनी है अपनी। तो आप प्रमोशन में क्या क्या देखोगे कि स्नैक कैसे हेल्दी है लोगों के लिए, वो लोगों को कैसे बेनिफिट करेगा, वो कैसे और प्रोडक्ट से अलग है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, और कहाँ पर मिल, कहाँ पर लोग जाके आपसे खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट, और अगर उस पर कोई आपने ऑफर डिस्काउंट या स्कीम रखी है तो आप वो भी एड में बताओगे। ठीक है, हम सबको समझ आए गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट के, सबको समझ आया? शो मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर। ओके, श्रेया इज क्लियर, कृषा इज क्लियर, नव्या इज क्लियर, आदित्य, ओके, आयुषी वांट टू से समथिंग, देविश इज क्लियर, ओके, परीक्षित इज रेजिंग हैंड, यस आयुषी बताए कि मैम केक कैसे बनाते हैं। गिव मी वन मिनट, ठीक है, देन आई लिसन टू यू, जस्ट गिव मी वन मिनट, ओके पीपल, जस्ट गिव मी वन मिनट। ये जो मैंने आपसे गाइडलाइंस शेयर करी हैं ये आपके पास रही हैं, तो मैं आपसे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसे खोलोगे ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास खुल जाएगा एंड यू कैन हैव एक्सेस टू इट, आप इसे रेफर कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई लुक फॉर इट। Okay, it's here. Let's just open it. Okay, I'll just share it here. Just check it if you all can open it. Ma'am, if you can just check once if the link works. I'm sharing it here. Neeta ma'am, if you can just check once ki link agar work kar raha hai to, or any other ma'am. Krisha, just click on the link and see if it opens. Devish, you also just try once. आपके पास सेम वैसा ही वर्ड डॉक्यूमेंट खुलेगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। Just see if it opens. Okay, Ayushi has got it. तो आप ही अपने पास सेव कर लीजिएगा। So copy the link and keep it with you. Has anyone else tried? Naksh, try it. Devish, just see if you can. या आयुषी चैट में लिंक आ गया, आई नो दैट, लिंक पे क्लिक करके देखो कि लिंक खुल रहा है या नहीं। ओके, इट्स अ गूगल ड्राइव लिंक, जस्ट चेक इफ इट ओपन्स बिकॉज यू डोंट नीड एनी। कृषा, कुड यू मैनेज टू ओपन?
Ayushi, give me a minute. Let me first sort this out so that people can. Anyone who has opened the link? Neeta ma'am, Arnav just unmute. Yes. You're raising your hand. You want to say something? No. Navya. मैम ये कब बनाना है? आप बना लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है? ओके मैम. ज़ेरा मैम, हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था. Okay, I know what is happening behind. It's okay. We can discuss it in the next class. Don't feel bad about it. Okay. Yes, Ayushi. Ma'am, batake main cake kaise banate hain? Yeah, please go ahead. Yes, ma'am. Hume sabse pehle to ma'am hume 1 cup aur ma'am 130 grams all purpose flour lena hai ma'am. और फिर मैम उसके बाद मैम उसके अंदर मैम हमें उसके बाद 100 grams और मैम 3/4 cup शुगर पाउडर डालना है. ओके. उसके बाद मैम हमें शुगर पाउडर मैम कप में डालना है मैम 3/4 और फिर मैम हमें उसके बाद मैम 1/2 टीएसपी बेकिंग पाउडर डालना है और फिर मैम हमें उसके बाद पानी डालना है और फिर मैम हमें उसके बाद 1/2 टीएसपी सोडा डालना है मैम हमें उसके बाद मैम हमें 2 टीबीएसपी और मैम 10 grams कोका पाउडर डालना है और फिर मैम उसके बाद मैम हमें उसे अच्छी तरह से मैम हमें उसे मिक्स कर लेना है और फिर मैम हमें उस जो मैम छन्नी होती है मैम उसके अंदर डालने फिर मैम हमें उसे एक कप में डाल के मैम हमें उसे मिक्स करते रहना है. ओके. ओके मैम, मैम वो जब मिक्स हो जाएगा तो मैम हमें उसके बाद मैम 125 ml मिल्क डाल देना है मैम उसके अंदर और फिर मैम हमें उसके बाद मैं उसके बाद 1 TSP वनीला एसेंस डालना है और फिर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हम और फिर मैम और फिर मैम वो ब्राउन से मैम पेस्ट बन जाएगा उसका और फिर मैम हमें उसके बाद उसके अंदर मैम 50 grams और मैम 5 TBSP मेल्टेड बटर डाल देना है और फिर मैम हमें उसके बाद मैम हमें 2 TBSP ऑयल डाल देना है और फिर मैम हमें उसे मिक्स करते रहना है अच्छे से. ओके. और फिर मैम हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और फिर मैम वो थोड़ा सा मैम फिर वो सही बनता रहेगा फिर मैम वो बिल्कुल मैम पेस्ट के और जैसे मैम पेस्ट बन जाएगा और फिर मैम हमें उसके बाद 1 TSP विनेगर डालना है मैम उसके अंदर मैम उसके बाद हमें उसे दोबारा मिक्स करना है
और फिर मैम हम उसे मिक्स करते रहना है। उसके बाद बेक करना है ना, जब मिक्स हो जाता है। मैम हमें उसके बाद कप लेना है। मैम कप नहीं मैम, एक बड़ा सा बर्तन लेना है मैम। उसके अंदर हमें मैम परचमेंट पेपर उसके नीचे मैम रख देना है। और फिर मैम उसके बाद हमें मैम हमें उसके मैम ग्रीस विद ऑयल मैम हमें मिक्स कर देना है मैम उसके ऊपर। और फिर उसके बाद मैम हमें उस मैम हमें मैम वो पेस्ट बना मैम फिर वो उसके ऊपर डाल देना है। ओके फाइन। और फिर मैम हमें पूरा पेस्ट डाल देना है। फिर मैम वो बिल्कुल मैम डाल के मैम वो बिल्कुल फैल जाएगा। तो फिर मैम उसके अंदर मैम जो हमने कप डालता मैम हमें उसे ऐसे ऐसे करना है। और फिर मैम हमें मैम बेक और फिर मैम हमें उसे बेक करना है मैम 100 मैम हमें 180 डिग्री पर और फिर मैम 35 और फिर मैम हमें उसके बाद और फिर मैम वो बिल्कुल मैम फूल सा जाएगा। ओके फाइन। सो यू मेड इट। और फिर मैम वो बिल्कुल सूख जाएगा। और फिर मैम हमें उस मैम जिसमें हमने उसमें रखा हुआ था मैम कटोरे में मैम बड़े से बर्तन में मैम हमें उसे कोने कोने से चम्मच से ऐसे ऐसे कर देना। और फिर मैम हमें उसे बाहर निकाल देना है। ओके मैम एक कप में मैम उसे उल्टा करके प्लेट में। तो मैम उसके नीचे जो मैम मैम जब हमने उसे पलट देना तो मैम नीचे का जो मैम पेपर था फिर मैम वो हमें हटा देना है। और फिर मैम जो सबसे नीचे जो मैम पेपर था उसके ऊपर जो मैम था बिल्कुल मैम प्लेन हो जाएगा। और फिर मैम हमें उसे डेक फिर मैम हमें उसे बीच में से कट कर देना है मैम। फिर हमें कट द चॉकलेट स्पॉन्ज हॉरिजॉन्टल इनटू 3 equal layers मैम हमें 3 layers में कट कर देना है मैम उसे। मैम फिर हमें कट करने के बाद मैम वो 3 पीस हो जाएंगे। और फिर मैम जो हमें पहला पीस था मैम हमें उसके ऊपर मैम 2 पीस हो जाते थे तो मैम हमने तीसरा पीस प्लेट पे रख दिया। और फिर मैम हमें हमें मैम फिर रेड चिल्ली मैम एक बॉक्स आता है मैम उसके बाद मैम वो जो हमने लिया था रेड प्लीज। और फिर मैम हमें पेंट से मैम उस जो मैम हमने बेक किया था मैम उसके ऊपर फैला देना। और मैम हमें उसके ऊपर क्रीम अच्छे से लगा देनी है मैम कर करके। और मैम हमें उसके ऊपर लाल लाल से मैम चेरी काट के डाल देनी है। और फिर मैम हमारा जो मैम दूसरा पीस था चॉकलेट का मैम वो हमें उसके ऊपर रख देना है। और फिर मैम हमें उसके बाद मैम उस पर दोबारा ऊपर क्रीम डालनी है। और फिर मैम हमें उसके बाद मैम हमें वो मैम काट के मैम दोबारा एक और चाय डाल देनी है। और मैम हमें उस पर छोटे छोटे गोले के मैम चॉकलेट आते हैं वो हमें काट के डाल देनी है। मैम हमारी जो मैम तीसरी लेयर थी मैम वो हमें उसके ऊपर रख देनी है। और फिर मैम हमें दोबारा मैम उसके ऊपर पे मैम क्रीम डालनी है। फिर मैम जो कोने कोने का जो मैम था मैम हमें उसे क्रीम से मैम लगा देना उसे मैम अच्छे से। और फिर मैम वो पूरा का पूरा मैम व्हाइट हो जाता है। और फिर मैम वो बिल्कुल ग्लो हो जाता है। फिर मैम हमें फ्रीजर में उसके बाद मैम 30 मिनट्स तक मैम उसे फ्रीज करने के लिए रख देना है। और फिर मैम हमें एक फिर हमें फिर पेपर लेना है और फिर मैम जो हमारे जो मेल्ट वाली जो मैम चॉकलेट मैम हमें मेल्ट कर देनी है चॉकलेट को। और फिर मैम उसके बाद मैम हमें मैम वो जो पेपर था मैम उसके ऊपर मैम हमें फैला देनी है बिल्कुल। और फिर मैम हमें बिल्कुल मैम सीमी सेट फॉर फ्यू सेकंड तक। ओके
और फिर मैम जो केक था, मैम जो हमने फ्रीजर में रखा था मैम 30 मिनट के लिए, मैम हमें उसे कोने कोने के लिए मैम हमें उसे चिपका देना है। और फिर मैम जो मैम हमने वो मैम जो हमने चॉकलेट का जो मैम हमने वो बनाया था मैम क्रॉस क्रॉस सा, मैम जो नीचे का जो पेपर था मैम वो हमने हटा देना, और मैम उसके अंदर जो मैम हमें वो जो मैम पेपर था वो मैम हमें फ्रीजर के लिए रख देना मैम 30 मिनट्स के लिए। फिर मैम उसकी जो मैम चॉकलेट होती है मैम वो फ्रीज होता हो जाते, फिर मैम हमें उसे लगा के केक के ऊपर, फिर मैम वो हमें पेपर हटा देना है मैम जो हमने कोने कोने किया था। और फिर मैम हमें उसके ऊपर केक के ऊपर मैम हमें एक क्रीम लेने के बाद मैम हमें उसे रोल रोल कर देना है। और फिर मैम हमें उसके ऊपर चेरी रख देनी है। और फिर मैम हमें उसके ऊपर मैम चॉकलेट के मैम कुछ टुकड़े डाल देने हैं। और फिर मैम हमारे मैम जब हमने ब्लैक वाल जो मैम हमने चिपकाया था मैम केक उसके नीचे मैम हमें वो मैम व्हाइट सा मैम हमें व्हाइट से मैम वो डाल देना है क्रीम। और फिर मैम हमारा केक तैयार हो जाता है। ओके सो यू आर मेकिंग अ ब्लैक फॉरेस्ट केक। यस मैम ब्लैक फॉरेस्ट केक था। ओके फाइन थैंक यू फॉर शेयरिंग। See you. Okay, people, we'll meet again next. Okay. Thank you, ma'am. Next. Have a wonderful day and enjoy. Right? Bye-bye. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. See you. Ma'am, can I tell a poem? Nice day, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, we want to sing a poem. Bye, ma'am. 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 Bye, ma'am